मैन वर्सेस वाइल्ड शो में बेयर ग्रिल्स के साथ मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकृति के बारे में बात की। पीएम मोदी ने बेयर को प्रकृति का महत्व समझाया और इसे संवारने के तरीके बताए। पीएम मोदी ने कहा कि हमने अपने मतलब के लिए नेचर को बर्बाद कर दिया है, ये चिंता की बात है। जंगल में शेर चीते जैसे खूंखार जानवरों से बचने के लिए बेयर ने पीएम मोदी को एक लकड़ी के सहारे एक भाला बनाकर दिया। बेयर ने पीएम मोदी से कहा कि अगर कोई जानवर आ जाए तो उसे मार देना। इस पर मोदी ने कहा कि मारना हमारी संस्कृति में नहीं है। इसके बाद बेयर ग्रिल्स ने कहा कि आप भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं और आपको बचे रहना जरूरी है, मेरा फर्ज है कि मैं आपको बचाऊं। शो के दौरान पीएम मोदी ने अपने काम को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि मेरा फोकस विकास पर होता है, आपके साथ मेरी पहली छुट्टी है। डिस्कवरी चैनल पर सोमवार को मैन वर्सेस वाइल्ड शो का प्रसारण रात 9 बजे हुआ। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कार्यक्रम को देखा। उन्होंने दुनिया के एक विशिष्ट एडवेंचर शो के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क का चुनाव करना राज्य के व्यापक हित में कहा। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया में राज्य के प्रसिद्ध कार्बेट पार्क के साथ ही इस क्षेत्र में नैसर्गिक सौंदर्य तथा जैव विविधता को भी पहचान मिलेगी और देश और दुनिया के लोगों को आवागमन इस क्षेत्र में भी बढ़ेगा। भारत और चीन के बीच बीजिंग में वार्ता के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया कि ये मुद्दा भारत का आंतरिक मुद्दा है। भारतीय संविधान के एक अस्थायी प्रावधान में बदलाव करना भारत सरकार का विशेष अधिकार है। वहीं एस जयशंकर की चीन के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के कुछ घंटों बाद भारत सरकार की ओर से दोहराया गया, दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। अनुच्छेद 370 के जरिए जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को घेरने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन उसे उम्मीद के मुताबिक कामयाबी मिलती नहीं दिख रही। पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अप्रत्यक्ष रूप से इसे मानते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में कोई हमारे लिए खड़ा नहीं है। बकरीद के मौके पर पाक विदेश मंत्री शाह महमूद आज सोमवार को पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ नमाज पढ़ी और बकरीद मनाई। सांस में परेशानी और फेफड़े में पानी आने की शिकायत के चलते शुक्रवार से एम्स में भर्ती पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की हालत स्थिर है। सोमवार को भी उनके कुछ मेडिकल टेस्ट किए गए थे, जिनके आधार पर डॉक्टरों का कहना है कि अगले कुछ दिन और पूर्व वित्त मंत्री को एम्स में रुकना पड़ सकता है। डॉक्टरों ने कहा कि स्वास्थ्य में पहले से काफी सुधार है, लेकिन दवाओं का असर मंद गति से देखने को मिल रहा है। फिलहाल कुछ और दिन उन्हें एम्स में रोका जा सकता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार का ये कदम देश के कई लोगों को पसंद नहीं आया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आइडिया ऑफ इंडिया का विचार पुख्ता हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज सुनी जानी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत अभी गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है और अब जरूरी है कि समान विचारधारा के लोग एकजुट हों। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को एक बड़े फैसले के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था और इस प्रदेश को दो भागों में बांट दिया, एक भाग जम्मू कश्मीर का और दूसरा लद्दाख का। अब ये दोनों भाग अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं।
हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने आर्टिकल 370 हटाने पर बयान देते हुए कहा कि मोदी सरकार के एजेंडे में अब राम मंदिर जनसंख्या नियंत्रण की है। ये सब होगा लेकिन मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण सबसे बुनियादी है और सबसे जरूरी है, और कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर वो 5 साल से काम कर रहे हैं। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होनी है जिसमें कृषि और अकृषि भूमि का सर्किल रेट तय करने, साहसिक गतिविधियों के लिए अलग से निदेशालय का गठन और कुछ विभागों की सेवा नियमावलियों के संशोधन प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। साथ ही पूर्व कैबिनेट में पारित एमडीडीए के लिए वन टाइम सेटलमेंट का त्रुटि सुधार संशोधन प्रस्ताव आ सकता है। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मदन कौशिक केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। प्रदेश में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर चर्चा की जाएगी। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश दिवस को समर्पित श्री गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान श्री ननकाना साहिब से 1 अगस्त से चला नगर कीर्तन नारायणगढ़ पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन सुबह 5 बजे नारायणगढ़ पहुंचा। नारायणगढ़ पहुंचने पर गुरुद्वारा श्री सिंह सभा, गुरुद्वारा श्री राजगढ़ साहिब और कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी समेत समूह इलाके की संगत ने नगर कीर्तन का जोरदार स्वागत किया। अनुच्छेद 370 पर नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी बरकरार है। खबर है कि पाकिस्तानी सेना एलओसी की ओर बढ़ रही है और लद्दाख के सामने अपने एयरबेस में लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रही है। पाकिस्तानी सेना की तैयारी पर भारतीय सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा कि हम अलर्ट हैं, अगर वे एलओसी पर आना चाहते हैं तो ये उन पर निर्भर करता है, उनको करारा जवाब मिलेगा। जम्मू कश्मीर के हालत पर सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा कि कश्मीरी लोगों के साथ हमारी बातचीत पहले की तरह सामान्य है, हम उनसे बिना बंदूक के मिलते थे और उम्मीद है कि हम उनसे बिना बंदूक के मिलते रहेंगे। चरखी दादरी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति ने सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने का फैसला सही समय पर लिया है, हालातों को देखते हुए सोनिया गांधी का तजुर्बा काम आएगा। हालांकि हुड्डा ने कहा कि आगामी चुनावों को लेकर गठबंधन से परहेज नहीं है, समान विचारधारा के लोग साथ आएंगे तो जरूर विचार करेंगे। रोहतक में 18 अगस्त को होने वाली हरियाणा परिवर्तन रैली में किसी भी प्रकार से बदलाव को नकारते हुए कहा कि रैली की ताकत भाजपा सरकार को चलता करने का काम करेगी। दिल्ली में रविदास मंदिर तोड़े जाने पर लोग भड़क गए, जिसको लेकर पंजाब के कई जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पठानकोट जम्मू हाईवे को बंद कर दिया है। पंजाब की सड़कों पर भारी प्रदर्शन हो रहा है। चंदौली में जिला संयुक्त अस्पताल में कर्मचारियों की लापरवाही का मामला देखने को मिला है, जहां अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से दिन भर बिजली ठप रही। अस्पताल की लापरवाही से जहां मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहीं मरीजों के परिजन अस्पताल की व्यवस्था को कोसते नजर आए। ग्वाली के रिश्वतखोर डीएसपी पर पूर्व सीएम शांता कुमार का बयान देखने को मिला है। शांता कुमार का कहना है कि भ्रष्टाचार जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके लिए सभी लोगों को आगे आना होगा, ये किसी पार्टी से जुड़ा मामला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में अगर कोई पहले जानकारी देता तो मामले में पहले ही कार्रवाई हो जाती। वहीं पूर्व सीएम ने यह भी बताया कि डीएसपी पिछले काफी वक्त से इस तरह की हरकत कर रहा था, जिस समय न सिर्फ स्थानीय जनता बल्कि विधायक भी उससे परेशान थे।
बागपत में पैसे के लेन देन को लेकर दबंगों ने देर रात युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। साथ ही बीच बचाव करने आई दो महिलाओं को भी दबंगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। पंचकुला के सेक्टर 14 में सिक्योरिटी गार्ड की रात को आंख लग गई। तब उसने उठकर देखा तो उसकी बंदूक गायब थी, जिसके बाद उसने उसके शिकायत को लिख दी। झांसी के जिलाधिकारी कार्यालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। मामला थाना प्रेमनगर का है, जहां कांग्रेसी नेता राजेंद्र सिंह यादव और उनके बेटे भरत यादव पर एक व्यक्ति ने जबरन जमीन पर कब्जा करने का मामला दर्ज कराया था। ऊना के पेखुवेला में शराब पकड़ने गई पुलिस की एसआईयू टीम पर हमला हो गया। शराब से भरी गाड़ी पकड़ने के बाद पुलिस टीम के दो सदस्यों के साथ मारपीट हुई। वहीं पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने वालों में ऊना सदर में कांग्रेस के विधायक सतपाल रायजादा के पीएसओ और ड्राइवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाड़ी के चालक को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं विधायक सतपाल रायजादा ने कहा कि उनके पीए और ड्राइवर पीएसओ को घर छोड़ने जा रहे थे, रास्ते में क्या हुआ इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। हिमाचल के कांगड़ा में पुलिस की लिखित परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी का मामला देखने को मिला है। विभाग ने मामला आने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया। परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी युवक यूपी और हरियाणा के हैं। जानकारी के मुताबिक नकल करने वाले 17 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनमें से मुख्य सरगना के घर से 11 लाख की नकदी भी बरामद हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, फिलहाल मामले को लेकर जांच की जा रही है। ऊना के पेखुवेला में अवैध शराब को लेकर कांग्रेस विधायक के पीएसओ व ड्राइवर द्वारा पुलिसकर्मियों से मारपीट के बाद जिला भाजपा उग्र हो गई है। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर राम कुमार की अध्यक्षता में सड़कों पर उतरकर विधायक सतपाल रायजादा के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर राम कुमार ने डीसी के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल को ज्ञापन भेज ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह रायजादा की सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई। शामली के कांजा थाना क्षेत्र के ठंगावली गांव में बच्चों के बीच मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प हो गई। दरअसल बाजार से सामान लेकर लौटते समय टायर लगने से दो बच्चों में कहासुनी हो गई। इसके बाद दोनों बच्चों के परिजन मैदान में कूद पड़े और देखते ही देखते कहासुनी खूनी झड़प में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों और तेज धार हथियारों से हमला करने लगे। विवाद में एक महिला समेत 6 से अधिक लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कांधला थाना के सीएचसी में भर्ती करवाया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जालपुर में ट्रैक्टर बाइक में आग लग गई, जिसमें ट्रैक्टर बाइक जलकर राख हो गए। अभी आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। संसद से मुस्लिम महिला विधेयक 2019 पास हो गया है। बिल के मुताबिक अब तीन तलाक आपराधिक हो गया है, लेकिन कानून बनने के बाद भी देश से रोज तीन तलाक से जुड़ी खबरें सामने आ रही है। हाल ही में एक ताजा मामला यूपी के हापुड़ से सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने पति से दवा के लिए महज 30 रुपए मांगे। इससे नाराज पति ने तीन तलाक दे दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। साथ ही दो मासूम बच्चों को भी छीन लिया। वही मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की बात कही। अमृतसर के हल्का राजा सांसी की रहने वाली रमनदीप कौर नाम की लड़की
दहेज की बलि चढ़ती हुई नजर आई। विवाहिता का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल वालों ने दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। ससुराल वालों की तरफ से रोज प्रताड़ित किया जाता था। चित्तौड़गढ़ मुख्यालय के समीप पड़ती गांव घटियावली के निवासियों ने जिला कलेक्टर शिवांगी स्वर्णकार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्रामवासियों ने बताया कि गिलुंड से लेकर घटियावली सड़क मार्ग की दुर्दशा का शिकार हो रही है। करीब 34 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर सड़क के नाम पर कुछ भी नहीं है। ये पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। गांव वालों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। पानीपत की आधुनिकतम जेल कैदियों के लिए तैयार हो चुकी है। पुरानी जेल से 57 कैदियों को 3 डीएसपी की निगरानी और कड़ी सुरक्षा में नई जेल में शिफ्ट किया गया। अब पानीपत जेल के कैदियों को दूसरे जिलों की जेलों में नहीं जाना पड़ेगा। पानीपत की नई जेल में सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। लगभग 870 कैदियों की ये जेल हरियाणा की आधुनिकतम जेल में से एक है। सीधी में सांसद ऋषि पाठक ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने और पर सरकार के फैसले का स्वागत किया है। सांसद ने कहा कि ये केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद पनप रहा है। भारत माता का मस्तक कश्मीर के माथे पर पिछले 70 सालों से अनुच्छेद 370 का कलंक हो गया है। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आजाद भारत के इतिहास में स्वर्णिम पल जोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने रूस के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एल्बस पर पहुंचने वाली मध्य प्रदेश की पहली बेटी मेघा परमार को बधाई दी। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार उनके हर प्रयास को पूरा करने में सहयोग देगा। मेघा परमार ने मंत्रालय में सीएम से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्य सचिव श्री एस आर मोहंती मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के मेघा परमार ने 18,510 फीट ऊंचे माउंट एल्बस पर्वत पर पहुंचकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। महिला बाल विकास विभाग ने मेघा परमार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भाजपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कोर्ट पहुंचकर नारेबाजी की। ज्ञापन देना चाहा लेकिन एसडीएम महोदय के उपस्थित न होने पर ज्ञापन को कार्यालय की दीवार पर चिपका दिया। साथ ही राष्ट्रपति को फैक्स के माध्यम से भी भेजा। आपको बता दें कि विशेष समुदाय के लोगों ने कांवरियों पर बचाव के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बीच बचाव करना चाहा लेकिन विशेष समुदाय के लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया, जिसको लेकर दोनों संगठन के कार्यकर्ताओं में रोष है। नेशनल हाईवे 7 पांवटा साहिब के नेशनल हाईवे 7 के किनारे हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल एक बुजुर्ग की प्रॉपर्टी पर उसकी बहू ने कब्जा कर रखा है। वही दुकान के शटर पर ताला लगाकर दुकान के ऊपर बने मकान पर रह रही थी। इसके बाद बुजुर्ग और उसकी बेटी ने पुलिस के साथ पड़ोस की छत से दरवाजा खुलवाया और कमरे के अंदर गए। पुलिस ने महिला के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। आपको बता दें कि ये प्रॉपर्टी विवादास्पद है और कोर्ट की ओर से इस प्रॉपर्टी पर स्टे लिया गया है। इसके बावजूद भी महिला कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर इस मकान में रह रही है। लखेरी में इन दिनों वन तस्करों का आतंक है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वन तस्करों को ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही वन विकास निगम का।
आपको बता दें कि लठेरी में जंगलों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। लठेरी वन विकास निगम जहां पुराने जंगलों की कटाई में लगा हुआ है, वहीं कुछ साल पहले जो जंगल सघन हुआ करते थे आज मैदान में तब्दील हो गए हैं। नालागढ़ के कंगनवाल गांव में एक परिवार के पांच बच्चों के लापता होने का मामला देखने को मिला है। दरअसल मंदिर में माथा टेकने आए पांच बच्चे अचानक लापता हो गए। बच्चों के लापता हो जाने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने आसपास के इलाकों में बच्चों को ढूंढा लेकिन बच्चे नहीं मिले। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद के गढ़ी थाना क्षेत्र के बीकनपुर गांव में लड्डू खाने से गांव के लगभग 150 लोग बीमार हो गए। स्वास्थ्य विभाग को जब इसकी जानकारी मिली तो वे तुरंत गांव पहुंचे और गांव में कैंप लगाकर मरीजों का इलाज किया। छह से सात मरीजों की हालत गंभीर है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। दरअसल कुछ समय पहले गाँव के निवासी कल्लू की माँ का देहांत हो गया था, जिसके बाद तेरहवीं पर सभी गाँव वालों को बुलाया गया था। खाने के बाद सभी गांव वालों को लड्डू बांटे गए। लड्डू खाने के बाद से सभी गांव वालों की तबीयत खराब हो गई। करनाल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार बस ने एक शख्स को कुचल दिया। हादसे में साधु बुरी तरह घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बागपत जिले में मामूली विवाद में गांव के ही दो दर्जन दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला करते हुए परिवार के लोगों पर लाठी डंडों से और तमंचों से फायरिंग कर दी। हमले में परिवार के 9 सदस्य घायल हो गए, वहीं एक युवक को गोली लग गई थी जिसकी हालत गंभीर है। शामली में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वाधीनता दिवस के जिला स्तरीय समारोह के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की अंतिम रिहर्सल स्थानीय इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुई। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कार्यक्रमों को लेकर निर्देश दिए। कुरुक्षेत्र में पल्सर बाइक पर सवार तीन युवकों ने आतंक मचाया। पिस्तौल के बल पर गाड़ी मालिक को अगवा कर टाटा सफारी लेकर हुए फरार, पुलिस छानबीन में जुटी। जड़बाहा में पीआरटीसी की तीन बसों में से एक बस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता ज्वाला जी के लिए रवाना की गई। गाजियाबाद में रफ्तार का कहर देखने को मिला, यहां तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया। इस युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल इंद्रापुरम इलाके में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पहले बीजेपी महिला नेता को साइड मार दी और महिला गिर गई। भागने के चक्कर में बस चालक ने तेजी से रेड लाइट पर आगे की और आगे से खड़े बाइक सवार को टक्कर मार दी। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने इन दिनों फिल्मों से ब्रेक ले रखा है। उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा सकी है। अलग अलग स्क्रिप्ट पर शाहरुख विचार कर रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुलासा भी किया कि अभी उनके पास कोई फिल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि वे फिल्में कर रहे थे लेकिन कुछ कारणों से उनका प्लान सफल नहीं हुआ। फैंस को आश्वस्त किया है कि कई सारे स्क्रिप्ट को ना सिर्फ एक्ट करने के लिए बल्कि इसलिए भी सुन रहे हैं ताकि प्रोड्यूस भी कर सके। हालांकि उनकी कंडीशन बस एक ही है कि फिल्म में एक्शन और फन हो। दर्शकों को अपनी फिल्म के पहले पोस्टर से इंप्रेस करने के बाद अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा स्टार फिल्म सेक्शन 375 का टीजर रिलीज हो गया। एक मिनट के टीजर में जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा और देश समाज के
कड़वे सच की झलक देखने को मिली। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल का नया ट्रेलर लॉन्च हो गया है। ट्रेलर में तापसी को गाड़ी चलाना सिखाते हुए और सोनाक्षी सिन्हा को अपने काम पर अफसोस करते दिखाया गया है।